Alright, class 10. So as you know that CBSE introduced some new format for your question papers. We will discuss today about the math question paper. Okay, this is the math sample question paper for the standard version. And Jha sir will tell you about what is coming in what terms. Okay, what is the weightage given for that particular question. So note that, because that's going to be very important for your board exam. Okay, I am giving to Jha sir. Okay, hello students. In today's video, I am going to give you the new concept, the new question paper format of mathematics of class 10th, basic and standard both. तो आइए एक एक क्वेश्चन एक एक पैटर्न को समझिए, जैसे कि आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम ना हो, आप लोग पहले से इसके बारे में अवेयर रहे हैं, तो मैं आपको एक एक चीज बताना चाहूंगा. यू नो दैट देर आर टू पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड एंड बेसिक. द फॉर्मेट इज सेम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ओनली दैट इज द डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर. स्टैंडर्ड में कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, और बेसिक में फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन होंगे. तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 होगा, टाइम 3 आवर्स होगा, 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, और 15 मिनट्स उसके बाद फिर आपको आंसर लिखना है. वो 15 मिनट्स में आपको ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा पार्ट करें, कैसे करें, क्या करें. तो आइए फॉर्मेट पे. योर क्वेश्चन पेपर कंटेन टू पार्ट्स. आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट्स होंगे, ए और बी. ए और बी दोनों में आपको इंटरनल चॉइसेस दिए जाएंगे. तो पार्ट ए में 3 सेक्शन होगा. फर्स्ट सेक्शन में 16 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क इच. एक एक मार्क के 16 क्वेश्चंस होंगे जिसका सॉल्यूशन आपको देना है, और उसमें इंटरनल चॉइसेस जो होंगे वो 5 क्वेश्चन में होंगे. 16 में से 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होंगे कि आप दोनों में से एक कर सकते हैं. फिर जब आप पार्ट ए में सेक्शन 2 में जाएंगे, तो सेक्शन 2 हैज 4 क्वेश्चंस ऑन केस स्टडी. ये चीज सीबीएसई ने इस बार न्यू ऐड कर दिया है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा केस स्टडी के लिए. मैं आपको कुछ क्लासेस में डिस्कस करूंगा आपके साथ केस स्टडी को, और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में केस स्टडी को इंटर कर दिया है. तो मैथमेटिक्स में केस स्टडी के लिए आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का ब्रॉड कॉन्सेप्ट चाहिए, जो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा क्लास में बताऊंगा. ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स. प्रत्येक केस स्टडी में आपको 5 सब पार्ट्स दिए जाएंगे, तो आपको सिर्फ उसमें से 5 में से 4 को अटेम्प्ट करना है. आप देखिएगा जो न्यू सैंपल पेपर आया है, ईएडी या कोई भी सैंपल पेपर आप लीजिए मैथमेटिक्स का, उसमें आप केस स्टडी को देखेंगे. वैसा ही एसएसटी में भी केस स्टडी है, साइंस में भी केस स्टडी है. अब आ जाइए पार्ट बी पे. आप पार्ट ए में ये दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक 1 मार्क के 16 क्वेश्चन, और जो दूसरा पार्ट होगा सेक्शन 2, उसमें 4 क्वेश्चन केस स्टडी के होंगे. अब आ जाइए पार्ट बी में. पार्ट बी आपका सबसे पहले क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 26 तक होंगे, जो इच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी 21 से 26 तक 6 क्वेश्चंस हो गए. तो 6 क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के दिए जाएंगे, यानी 12 मार्क्स के होंगे. क्वेश्चन नंबर 27 टू 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स इच. 27 से 33 तक जो 7 क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, और 34 से 36 यानी ओनली 3 क्वेश्चंस जो होंगे लॉन्ग आंसर टाइप वो 5 मार्क्स के होंगे. जबकि इससे पहले सीबीएसई कभी भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में नहीं देते थे, मैक्सिमम 4 मार्क्स का होता था, लेकिन इस बार 4 मार्क्स का हटा दिया गया है, उसके बदले 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के दिए हुए हैं दिए जाएंगे. अब इंटरनल चॉइस जो है वो 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस का इंटरनल चॉइस होगा, 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस के इंटरनल चॉइस होंगे, और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे उसमें 1 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिए जाएंगे. अब हम आपको चैप्टर वाइज बताते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो एक एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा. सबसे पहले आप देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा वो आपका सॉल्यूशन बेस्ड होगा. फर्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर से होंगे. सेकंड क्वेश्चन जो होंगे
वह पॉलिनोमियल से होंगे, सेकेंड क्वेश्चन वन मार्क का पॉलिनोमियल से होंगे, जो थर्ड क्वेश्चन होंगे वन मार्क के होंगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यानी चैप्टर थ्री से होंगे, क्वेश्चन फोर भी चैप्टर थ्री से होंगे, जो क्वेश्चन फाइव होगा वो होगा एपी का, उसमें इंटरनल च्वाइस भी दिए जाएंगे, क्वेश्चन सिक्स जो होंगे वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वेश्चन सेवन जो होगा वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होगा, क्वेश्चन एट सर्कल का होगा चैप्टर नंबर टेन का, क्वेश्चन नाइन भी होगा सर्कल चैप्टर का चैप्टर नंबर टेन का, क्वेश्चन टेन जो होंगे वो ट्रायंगल चैप्टर का चैप्टर नंबर सिक्स का, क्वेश्चन इलेवन जो होंगे वो ट्रायंगल चैप्टर कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर इलेवन का, क्वेश्चन ट्वेल्व ट्रिगो का होगा चैप्टर नंबर एट का, क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो होगा वो भी होगा ट्रिगो का, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जो होगा वो होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक नंबर के क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्टीन जो होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर थर्टीन का, और जो लास्ट क्वेश्चन सिक्सटीन होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिफ्टीन का। तो ये वन से सिक्सटीन तक था चैप्टर वाइज, आप देख लेंगे अकॉर्डिंगली आप उसके आंसर तैयारी करेंगे। उसमें सेक्शन टू जो हम आपको केस स्टडी बताए, उस केस स्टडी में आपको किसी भी चैप्टर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, फिगरेटिव क्वेश्चन आएंगे, फिगर दिया जाएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज दे के उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसी तरह मैथमेटिक्स में भी कोई किसी भी चैप्टर का डायग्राम दिया जाएगा, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको वो एमसीक्यू टाइप का होगा, उसमें आपको टिक मारना होगा। कभी लीनियर इक्वेशंस का आ जाएगा, कभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आ सकता है, कभी ट्रायंगल चैप्टर से आ सकता है, कभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल का आ सकता है, किसी भी चैप्टर से ये केस स्टडी आएगा जिसको आपको थोड़ा ब्रॉडली प्रिपरेशन करना है। उसके बाद आ जाइए आप पार्ट टू में यानी पार्ट बी में, जहां पे आप क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 टू मार्क्स के हैं, तो 21 से 26 तक मैंने आपको बताया टू मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो जो 21 क्वेश्चन हैं वो दिए हैं रियल नंबर का। क्वेश्चन 22 जो है, मैंने आपको इससे पहले ब्लू प्रिंट भेजा भी हूं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के होंगे, मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं आपको प्री बोर्ड के सिलेबस के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, उसमें च्वाइस दिए जाएंगे। क्वेश्चन 23 जो है वह है पॉलिनोमियल्स का, क्वेश्चन 24 जो है वह है कंस्ट्रक्शन का, क्वेश्चन 25 ट्रिगो का है, दोनों जिसमें च्वाइस भी दिए जाएंगे, 26 है सर्कल चैप्टर का, 27 फिर रियल नंबर्स का क्वेश्चन है, फिर 28 दोनों क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल्स के हैं जिसमें च्वाइस भी आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है ट्रायंगल चैप्टर का, दोनों क्वेश्चन जिसमें चॉइस भी दिए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 31 स्टैटिस्टिक्स का है, जिसमें मीडियन फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन फिफ्थ पे, क्वेश्चन 33 थ्री मार्क्स के जो हैं वो हैं आपकी फिर स्टैट के। क्वेश्चन 34 में च्वाइसेज हैं, दोनों क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के हैं। 35 जो है वह है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। और जो क्वेश्चन नंबर 36 है वह है आपका लीनियर इक्वेशन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 36 दिए जाएंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन केस स्टडी के होंगे, 16 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, बाकी जो 16 क्वेश्चंस होंगे उसमें 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और बाकी जो क्वेश्चन 3 होंगे वो आपके 5 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह आपका ये फॉर्मेट है, न्यू फॉर्मेट सीबीएसई का मैथमेटिक्स के लिए, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए। तो आप लोग अच्छा से तैयारी करें फॉर्मेट को देखते हुए, और सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाएं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं साइंस का भी फॉर्मेट आपको बताऊंगा। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू से आपको मैंने मैथमेटिक्स का फॉर्मेट दिया। गुड बाय टू एवरीवन।